अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुहर्रम स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम बनाएंगे दूध का शरबत। और इस शरबत को बनाने के लिए देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन में गर्म करेंगे हाफ कप पानी और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ कप चीनी। चीनी के मेल्ट होने तक हम इसे कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पिंक फूड कलर और इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस चीनी के मेल्ट होने तक ही हमें इसे कुक करना है। इसके बाद अब ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुका है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इस शुगर सिरप को हम ठंडा होने का वेट करेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे एक बाउल में, यहाँ पर मैंने चिल्ड मिल्क लिया है, एकदम बिल्कुल ठंडा दूध। आप चाहे तो इसमें बर्फ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक टीस्पून हम इसमें डाल देंगे चिया सीड्स, जिसे पहले से ही मैंने सोक करके रखा था। और अब जो शुगर सिरप हमने बनाया है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। आप चाहे तो इसमें केवड़ा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी शरबत में, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद सब चीज़ों को एक साथ हम मिक्स कर देते हैं और ये लीजिए शरबत हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ऊपर से चॉप ड्राई फ्रूट से हम कर देंगे इसकी गार्निशिंग। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी, बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है ये शरबत की। हमारा शरबत बिल्कुल रेडी है। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, खुद भी पिए और मेहमानों को भी सर्व करें। इस बार मुहर्रम के मौके पर इस दूध के शरबत की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।